हमारा जो इंडिया डिबेट आता है मंडे टू सैटरडे, उसमें हम दो दिन कम से कम भारतीय अर्थव्यवस्था और एसएमई पर, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पर खास तौर से देंगे, क्योंकि अंबानी और अदानी पर देने के लिए देयर आर बिग चैनल्स, सैटेलाइट चैनल्स, डेकोरेटेड टेलीविजन एंकर्स एंड डेकोरेटेड टेलीविजन चैनल्स, दे आर डिस्कसिंग एवरी नाउ एंड देन व्हाट शेयर गोज अप, व्हाट शेयर गोज डाउन. आई एम नॉट मेड फॉर दैट. देयरफॉर प्लीज यू लिसन द video bite of Rajiv Bhai Dixit. First, what was happening in British Parliament in House of Commons. इस बार मैं इस बात को एक कदम आगे जाके कहता हूं कि ये देश इस समय अंग्रेजों के जमाने से ज्यादा गुलाम है. देश की व्यवस्थाएं अंग्रेजों के जमाने से ज्यादा गुलाम है. तो प्लानिंग के तीन चरण निर्धारित किए गए हैं. पहला चरण यह है, सबसे पहले हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को खलास किया जाए. और जो बात चल रही है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, वो बात यह चल रही है कि इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को कॉलेप्स करा दिया जाए. और इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम जब कॉलेप्स हो जाएगा तो हिंदुस्तान के व्यापारी, हिंदुस्तान के उद्योगपति, हिंदुस्तान के पूंजीपति सब खलास हो जाएंगे. और ये व्यापारी, पूंजीपति और उद्योगपति अगर खलास हो जाएंगे हिंदुस्तान में, तो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी का माल हिंदुस्तान के गांव-गांव में बिकने लगेगा. और इस डिबेट को चलाते हुए बिल्वरफोर्स कह क्या रहा है, एक मजेदार बात आज आप देख रहे हैं जो चल रहा है उसका कंपेरिजन मैं कर रहा हूं. बिल्वरफोर्स कह रहा है कि हमको हिंदुस्तान में फ्री ट्रेड करना है. तो एक एमपी पूछता है उससे, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रेड? तो बिल्वरफोर्स कह रहा है कि फ्री ट्रेड का माने ब्रिटिश गुड्स का हिंदुस्तान के गांव-गांव में बिकना. ब्रिटिश गुड्स का, ब्रिटेन के माल का हिंदुस्तान के बाजारों में भर जाना और ब्रिटिश के माल का, ब्रिटेन के माल का हिंदुस्तानी लोगों द्वारा ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करना, उपभोग करना, ये है फ्री ट्रेड. इसके सेकंड पार्ट में एक बात और कह रहा है बिल्वरफोर्स, फ्री ट्रेड की व्याख्या करते हुए सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि ये जो फ्री ट्रेड चलेगा, इसमें एक चीज और होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है जो इंग्लैंड में नहीं है. जैसे कॉटन का रॉ मटेरियल है, स्टील के ओर्स हैं इस देश में, आयरन ओर बहुत अच्छा है, और भी तमाम तरह के रॉ मटेरियल हैं. तो वो कह रहा है कि कुछ इस तरह का फ्री ट्रेड चलना चाहिए कि जिससे हिंदुस्तान का सारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन में आना शुरू हो जाए और उस रॉ मटेरियल के लिए हमको एक नया पैसा खर्च नहीं करना पड़े और उस रॉ मटेरियल से हम फिनिश प्रोडक्ट बनाएं और वापस इंडियन मार्केट में ले जाकर बेचें.